गाइस अस्सलामुअलैकुम। तो ऐसा हो रहे हैं सुबह के 6 और मेरी हो चुकी है मॉर्निंग। बच्ची जा रही है स्कूल और मैं उसको बना के दे रही हूँ आलू का पराठा जो कि मैंने रात में बनाए थे और थोड़ा सा आलू का मिक्सचर बचा के रख लिया था। अब मैं उसे बना के दे रही हूँ, चाय पियेंगे उसके बाद उसे स्कूल की तैयारी करेंगे। आरिश आप क्या खा रहे हैं? मम्मा को दीजिए दीजिए, इसमें से निकालिए, यहाँ से निकालिए दीजिए। थैंक यू। तो आरिश अभी नहाई नहीं कर आए हैं और फ्रेश बैठे हैं, फजीन के आने का टाइम हो रहा है। फजीन स्कूल से आ गई हैं और आरिश नहा चुके हैं, फजीन ने भी शावर ले लिया है। अब हम जा रहे हैं फजीन के समोसे तलने के लिए क्योंकि वो कह रही हैं कि मुझे भूख लग रही है, मुझे समोसे तल के दे दे। तो ये रही फजीन और ये शावर लेकर आ गई हैं, बाल खुशक करो अपने। तो मैं जा रही हूँ उनके समोसे तलने तलने के लिए, रख दिए हैं और साथ साथ चाय भी चढ़ा दी और समोसे भी तलने। समोसे तल लिए हैं और चाय भी रेडी कर ली उनके लिए, तो अब वो खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। तो देखते हैं फिर रात के खाने में क्या बनता है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को फुल वॉच करें। जब तक लाए वो आपको कैसे लगे? बाबा जी लाए, फिर घर पे तो बनाए लेकिन लाए तो बाबा है ना, बहुत अच्छे लगे। आप लोग भी ट्राई करें, बहुत अच्छे इनके फ्रोजन आइटम्स हैं। हमने पहले मंगवाए थे वो खा लिए हैं, अभी दूसरे हैं हमारे। यानी का मसाला मैं रेडी कर रही हूँ और उसके साथ मैंने चावलों को जो है वो दम पे लगाना है और बस इसे हमें खाना है, ठीक है। तो जब ये बिरयानी रेडी हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह की, किस शक्ल की बनी है। और बिरयानी की रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, अगर दोबारा बोलेंगे तो दोबारा शेयर कर दूँगी, लेकिन पहले भी बना चुकी हूँ। अभी मसाला थोड़ा सा ऑयल छोड़ देगा तो फिर मैं इसमें चावल ऐड कर लूँगी, ठीक है। तो ब्लॉग बनाने का इतना टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत जल्दी जो चीज़ दिखा सकती हूँ मैं दिखा देती हूँ और जो रह जाती है तो फिर वो रह ही जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है सब लोग इतना मसरूफ़ होते हैं अपनी लाइफ में, किसी को टाइम ही नहीं मिलता है। तो जो जो मैं दिखा सकती हूँ मैं पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है। और बस ये है आप लोगों से कि हमारे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, लाइक करें और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएँ। बस इतना ही आप लोगों से कहना है और कमेंट्स तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, बहुत मज़ा आता है कमेंट्स पढ़ पढ़ के। तो इसी तरीके से मुझे कमेंट्स करते जाएँ, सपोर्ट करते जाएँ, प्यार देते जाएँ। हम मिलते हैं खाना खाते वक्त। आपको कैसी लगी बिरयानी?